एचपी 2000 सीरीज मॉडल में अगर ये समस्या आती है, बूट डिवाइस नॉट फाउंड, प्लीज इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो बायोस में जाइए F10 दबा के। जब बायोस में आप चले जाएंगे तो ये इस वाले फीचर्स में आना है आपको। बूट ऑप्शन में क्लिक करके जो लेजेसी इनेबल वो डिसेबल है, इसको इनेबल कर लेना है। कुछ नहीं करना, लेजेसी जो लगा हुआ है तो डिसेबल है, तो इसको इनेबल करना है। ठीक है, यस करिए। इसके बाद ये F10 से सेव कर दीजिए। इसके आगे कुछ एक कोड आएगा, तो उस कोड को प्रेस करके इंटर करना है। जैसे इसमें 9316 आया हुआ है, 9316 दबाइए, इंटर मार दीजिए। ये आपका विंडो जो है खुलने लगेगा, हार्ड डिस्क का डिटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका देखिए विंडो खुल रहा है। पीरो विंडो आपका खुल जाएगा। अगर ये इरर आता है तो आपको सिर्फ यही चीज करनी है, लेजेसी को अगर डिसेबल है तो इनेबल कर लेना है, आपका हार्ड डिस्क जो है लैपटॉप में खुलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए आपका जो है लॉगआउट होने लगा है, थोड़ी देर में आपका विंडो खुल जाएगा पूरा। ये विंडो खुल गई आपकी। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।